हेलो, मैं नूर बात कर रही हूँ। आप मुझसे भी मिल सकते हैं? मेरे पास बहुत कम टाइम होगा। आप हाँ हाँ जरूर मिल सकता हूँ, बताओ कहाँ आना। एक काम करें, आप मेरे कॉलेज के ऑडिटोरियम में आ जाए, मैं आपका यहाँ वेट कर रही हूँ। ओके ठीक ओके ओके मैं आ रहा हूँ। है। ओके बोल फी, अब तू क्या बोलेगा? जब खेल का पता ना हो ना, तो ये नहीं पूछा करो कि खेल खेला कैसे जाए। जी ले आपका फोन। हाँ वाई, मैंने कहा था ना कि जिसके हाथ में है उसी का। आप नहीं समझ रहे, इस फोन की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब रही हूँ। इसकी वजह से मुझे अपने घर में झूठ बोलना पड़ा है, वो भी किसी और से नहीं, अपने पापा से। और इस तरीके से छुप छुपा के बुलाया मैंने आप। मैं नहीं रख सकती, आप प्लीज आप ये रख लें प्लीज। थैंक यू। आई एम सॉरी इसकी वजह से आपको इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने सिर्फ आपके लिए खरीदा था। मेरे लिए क्यों खरीदा है आपने? मैं इतनी महंगी चीज कैसे ले लूं आपसे? क्योंकि मैंने देखा था उस दिन आप परेशान थी, आप अपने घर में रابطہ करना चाह रही थी और आपके पास फोन नहीं था, तो मैंने कहा क्यों नहीं इसको फोन दे दिया जाए। फोन आजकल बहुत जरूरी है, हमारे शहर के हालात नहीं देखे, हर किसी के पास फोन होना चाहिए, स्पेशली लड़कियों के पास। ठीक है, लेकिन आपने मास्क के साथ किसी लड़की की पिक्चर भेजी थी, व्हाई? आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा मैंने तस्वीर आपको भेजी? एक्चुअली जब मैंने मास्क को उस लड़की के साथ देखा हंसते हुए, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, आपकी फैमिली को इतनी तकलीफ में डालने के बाद वो ये सब कर रहा है, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने तस्वीरें खींच के इस फोन में सेव कर दी और आपको दे दिया। देखिए, मास का चैप्टर क्लोज हो चुका है। ऑनेस्टली मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ। तो फिर नूर किस बारे में सोचती है? प्लीज मुझे ये पता करना है, आप किस बारे में सोचती हो? मैं किसी किसी के भी बारे में नहीं, मैं बस अपने पापा के ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ किसी भी हाल में बस। ये आप क्या कर रहे हैं? चेक कर रहा हूँ कि अंदर इंसान है कि रोबोट है। क्या कर रही हो तुम नूर? अपनी उम्र देखो, ये उम्र तुम्हारी जिंदा रहने की है, इंजॉय करने की है जिंदगी। इंजॉय करो, हंसो, खिलखिलाओ, ये क्या कर रही हो तुम? तुमने अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाया हुआ है, CSS करना है मुझे एक रोबोट की तरह, और उसके लिए उस एक टास्क की तरह मैं जिंदगी को जीऊंगी। क्यों? What? मेरी लाइफ है ना, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? क्यों? सिर्फ क्या खून के रिश्ते होते हैं जिनको फिक्र होती है? ये गलत बात। कभी कभार कोई ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनको खूनी रिश्तों से ज्यादा आपकी फिक्र होती है। नहीं, मेरे पापा मेरी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं और ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। 100% वही करते हैं तुम्हारी परवाह। मैंने कब कहा वो तुम्हारी परवाह नहीं करते? लेकिन हर कोई अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सेल्फिश होता है। भी हुए थे, उन्होंने शादी की दूसरी। जी नहीं, मैं छोटी थी, मुझे कोई संभालने वाला नहीं था। उन्होंने अपने लिए नहीं की है, मेरे लिए की थी। तुम्हारी फुप्पो थी नूर, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकती थी, उनका कोई अपना बच्चा भी नहीं था। तुम्हारे अप्पा ने अपने लिए शादी की, एंड इट्स ओके अगर उन्होंने तुम्हें कुछ और बताया तो, क्योंकि वो एक बच्ची से क्या डिस्कस करते। लेकिन वो एक सेल्फिश मूवी थी और कोई बात नहीं। मैं खुदा ना खासा तुम्हारे अब्बा को बुरा नहीं कह रहा यार, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्होंने भी जिंदगी में एक सेल्फिश मूव की, तुम भी थोड़ा सेल्फिश हुआ करो। क्या हुआ, क्या सोचने लगे? ये रियलिटी है और रियलिटीज को फेस करना चाहिए। मेरे साथ भी बहुत कुछ बुरा हुआ है, मैं ऐसे ही नहीं शहर में आ गया। कभी बैठेंगे तो तुम्हें बताऊंगा, बहुत लंबी कहानी है। बस इतना कह सकता हूँ कि जब मैं शहर में आया और फिर जब मुझे तुम नजर आई, फिर कुदरत ने ऐसा किया कि हम मिलते चले गए, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ शायद ये वो लड़की है जिससे मेरी दोस्ती हो सकती है। हाँ मुझसे उम्र में ये छोटी है, मगर इसमें एक बात है जो बड़े बड़ों में नहीं है। ऐसी क्या बात है मुझमें? और हमें कुछ ही दिन तो हैं मिले हुए। फैसले की सलाहियत जो बड़े बड़ों में। और ये क्या कुछ दिन हुए हुए मिले हुए? किसी को जानने के लिए सारी उम्र भी कम पड़ सकती है और एक लम्हा भी बहुत होता है ना? हम पूरी जिंदगी किसी के साथ गुजारते हैं और हमें ऐसा लगता है हम उन्हें जानते ही नहीं है, और किसी से एक बार मिलते हैं और ऐसा लगता है यार इससे हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। मैं जा रही हूँ, आप ये फोन अपने पास ही रखें। सुनो, हाथ दो। अरे हाथ दो, क्या हो गया, डर क्यों रही हो? ये फोन तुम्हारे साथ जाएगा, इसको कचरे में फेंकना है तो घर जाते हुए कचरे में फेंक देना, या तो ऑफ करके अपने पास रख लेना। मेरी एक बात याद रखना, कभी ना कभी तुम इसे ऑन करोगी और इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, समझी? तुम फिर याद आऊंगा मैं।